हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आज की कहानी भेजी है बेंगलोर से जेम्स ने। कहानी बिल्कुल सच्ची है और आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे जेम्स ने भेजी है। ये बात आज से करीब 15 साल पहले की है, जब मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। हमारा स्कूल एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल था, जो कि एक बहुत ही पुरानी चर्च के पास बना था। हमारे स्कूल का इलाका बहुत ही बड़ा था, जिसमें हॉस्टल, प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ था। एक बार हमारे यहाँ एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी हॉस्टल के लिए, तो उसके लिए ज़मीन की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान वहाँ ज़मीन के नीचे से बहुत सारी इंसानों की दबी हड्डियाँ निकाली गईं। कई सारे नरकंकाल पाए गए, फुल शेप के स्केलेटन्स। उनमें से कुछ को तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारी बायो लैब में ही रखवा दिया था और कुछ वहीं दबे रहने दिए, क्योंकि वो टूटी फूटी हालत में थे। कुछ दिनों बाद ही वो नई हॉस्टल की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई और वहाँ पर बच्चे रहने लगे। बिल्डिंग के पीछे की तरफ लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी इमरजेंसी के लिए। नई बिल्डिंग बनने के कुछ दिन बाद ही अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं बिल्डिंग में। किसी के रूम में चीज़ें अपने आप गिरने लगती, तो किसी को सोते हुए कोई साया पकड़ के हिला देता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। स्कूल की मैनेजमेंट ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि बच्चे आपस में मजाक ही करते होंगे। लेकिन धीरे धीरे मामला सीरियस होता गया। एक रात 5वीं मंजिल पर रहने वाले एक बच्चे ने ऊपर से कूदकर खुदकुशी कर ली। सब सकते में आ गए। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो यही नतीजा निकला कि बच्चे ने खुद छलांग लगाई थी बिल्डिंग से, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं था। लेकिन अगले ही 1 महीने में 3 और बच्चे बिल्कुल उसी तरह बिल्डिंग से कूद गए और मर गए। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट के तो होश उड़ गए। सब ने मान लिया कि यहाँ ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है। अगले ही दिन साथ वाली चर्च के बूढ़े फादर को बुलाया गया। वो उस लोहे की सीढ़ी के पास आते ही समझ गए कि यहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने प्रिंसिपल को बोलकर उन सीढ़ियों को बंद करवा दिया और उसका शुद्धिकरण किया। बूढ़े फादर ने बताया कि जहाँ वो बिल्डिंग बनी थी वहाँ भूतों का पूरा कबीला रहता था, और बिल्डिंग बनने से वो सारे भूत बहुत नाराज़ हो गए थे, इसीलिए ये सब हरकतें हो रही थी वहाँ। और जो बच्चे बिल्डिंग से कूदे थे वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उनको ज़बरदस्ती भूतों ने धक्का दिया था बिल्डिंग से। फादर वहाँ हर फ्राइडे को आते और होली वाटर से उस जगह की शुद्धि करके जाते। धीरे धीरे सारी अजीब हरकतें कम होती चली गई। बिल्कुल बंद तो नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बाद भी कई बच्चों ने बताया कि उनके कमरे का सामान इधर उधर हो जाता है। लेकिन खुदकुशी का कोई केस दोबारा नहीं हुआ। मैं उसके बाद 2 साल और उस स्कूल में पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन रात में उन सीढ़ियों के पास जाने में ज़रूर डर लगता था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल ही चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। इस प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी को थैंक्स। अब जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको किस टॉपिक के वीडियोस सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं उसी टॉपिक के वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। अभी जो वीडियोस आने वाले हैं उनमें पहला वीडियो होगा जिन की कहानियों का, फिर आएगा वेंडिगो, स्किन वॉकर, वेम्पायर्स, हॉस्पिटल और भूतों का। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत जल्द आऊँगा कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर। अभी के लिए गुड बाय।